हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है क्रिप्टो द वनशॉप सोल्यूशन में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं सो so, टाइटल मैंने जो पिक किया है न्यूज़ का दैट इज बाइनेंस सी ओ सी जी क्लियर द एयर ऑन टू फिफ्टी मिलियन डॉलर्स लोन कॉन्ट्रोवर्सी एंड सिक्स अ डिसमिसल ऑफ एस सी तो इस न्यूज़ को हम डिकोड करेंगे स्टेप बाय स्टेप लेयर बाय लेयर एंड हमारे की को जांचेंगे इस वीडियो के अंदर तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जो की वर्ड है दैट इज बाइनेंस सो बाइनेंस एक नंबर वन लीडिंग एक्सचेंज है करेंसी एक्सचेंज है उसका आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्टिंग हुआ है ऑन कॉइन मार्केट कैप उसका जो रैंक करेंट नहीं रहा है दैट इज़ रैंक वन सो सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है दैट इज बाइनेंस उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम हमारा करेंटली दट इज थ्री पॉइंट सिक्स बिलियन डॉलर के आसपास एंड उसकी लिक्विडिटी 847 एंड उसके ऊपर लगभग कॉइंस लिस्टेड है दैट इज 385 नंबर ऑफ कॉइंस लिस्टेड है बाइनेंस के ऊपर एंड सी जी कौन है सी जी इज द सी ई एंड हेड ऑफ फाइनेंस करंटली इज फुल नेम इज चैंग पैंग जाओ कॉमनली नोन है सी जी इज अ चाइनीज बॉर्न कनेडियन बिजनेसमैन इन्वेस्ट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर सो ही वॉज द फाउंडर एंड ओनर ऑफ फाइनेंस इसका जो नेटवर्थ है करंटली दट इज वन थाउजेंड ट्वेंटी करोर्स यू एस डी दट इज ही इज एम इन नेटवर्थ ऑफ टेन बिलियन डॉलर्स करंटली सो अभी हुआ क्या था कि सी जी ने एक लोन सैक्शन करवाया था फिफ्टी मिलियन डॉलर्स का उसके अगेंस्ट में कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई एंड कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की एस सी सी ने विच इज द सिक्योरिटी एमिशन ऑफ कमीशन सो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन से कौन से टेक अवे कौन से कौन से हाईलाइट्स है इस न्यूज़ का सो फॉर एग्जांपल द कोर्ट डिनाइड द एस सी सी रिक्वेस्ट इन्वेस्टिगेट द बाइनेंस फर्दर मतलब हुआ कहता था एस ने एक इन्वेस्टिगेशन को क्रिएट किया था बाइनेंस के अगेंस्ट में देन बाइनेंस ने काउंटर सूट फाइल किया एस के खिलाफ एंड उसके बाद कोर्ट ने डिनाई किया कि आप एस को कि एस सी फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता बाइनेंस के एलिगेशन के ऊपर उसके अलावा जो बाइनेंस के फाउंडर है दैट इज सीजी जी सेंग पेंगजाव उन्होंने रिस्पॉन्ड किया रिगार्डिंग टू फिफ्टी मिलियन डॉलर का लोन एंड बाइनेंस इज अटेम्प्टिंग टू डिसमिस द एस एसीिकेशन अभी जैसे आपको मालूम रहेगा कि एस एस सी और बाइनेंस की काफी कड़ी टक्कर चल रही है एस सी सी बार बार बाइनेंस को टारगेट कर रहा है एंड रिसेंटली एस सी सी ने बाइनेंस के खिलाफ थर्टीन नंबर ऑफ केसेज भी फाइल किए आप डिफरेंट चार्जेस आप देख सकते हैं यहाँ पे यू कैन सी ऑन द लिंक ओवर ईयर थर्टीन डिफरेंट चार्जेस को फाइल किया एस एस ने बाइनेंस के खिलाफ सिंस द मंथ ऑफ जून ट्वेंटी थ्री सो बेसिकली एस सी सी रहा है बहुत सारे केसेस फाइल कर रहा है बायनेंस के खिलाफ एंड उसके अलावा एस ये भी बोल रहा है कि बाइनेंस अनकोऑपरेटिव है सारे डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने के लिए एंड एस का ये भी मानना है कि वो कंज्यूमर के फंड्स को मिसयूज कर रहे हैं इन टू ऑफ सब्सिडरीज तो ये सब आ, फाइलिंग किया था कोर्ट में ये सब कोर्ट में बात की थी एंड कोर्ट ने फिर बोला सो तो कोर्ट के जो यूएस डिस्ट्रिक्ट थे आ, हर नेम वाज जज जिया फारूकी उन्होंने डिजाई डिनाई किया ये सब रिक्वेस्ट को आई का एंड क्या आई को बोला कि आप बाइनेंस के अगेंस्ट में इतना सब एलिगेशन नहीं लगा सकते ये बहुत ज्यादा हो रहा है आपके लिए तो उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन को डिनाई किया एंड आई को बोला कि आप फर्दर इन इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते बाइनेंस के ऊपर सो सप्टेम्बर नाइनटीन को सी जी हु इज द सी ऑफ बाइनेंस उन्होंने टू मिलियन डॉलर्स का लोन को सैक्शन किया था एंड उन्होंने इस लोन को सैक्शन करते हुए बोला था कि ये लोन मैंने पूरा पूरा ट्रांसफर किया है बी मैनेजमेंट अभी बी किया है सो so बम का फुल फॉर्म है दैट इज़ बी ट्रेडिंग सर्विसेज इट इज़ अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी दैट प्रोवाइड्स रेगुलेटेड मार्केट प्लेस टू ट्रेड क्रिप्टो करेंसी सो एक बेसिकली रेगुलेटेड कंपनी है ठीक है इस पर रेगुलेशन ऑलरेडी हो चुके हैं तो पूरा पूरा फंड ट्रांसफर किया था बी को सी ने एंड वो फिफ्टी मिलियन डॉलर्स उसके पास गया है दैट इज द बी ट्रेडिंग सर्विसेज ऐसा सी ने बोला है सो सिंस जून काफ़ी सारे केसेस फाइल हुए हैं एस सी ने काफ़ी सारे केसेस फाइल किए हैं बायनास के खिलाफ तो अभी बाइनेंस और सी सी ये चाहता है कि जितने भी केसेस पेंडिंग है वो सबको वाइंड ऑफ कर दे क्लियर ऑफ कर दे एंड जो भी बैटल चल रही है एस एस सी और बायनांस के खिलाफ वो सब कुछ क्लियर ऑफ करके सारे केसेस जो पेंडिंग है उसको रद्द कर दे या क्लियर ऑफ कर दे एंड जो भी अगेंस्ट है एस सी सी का बायनानस के लिए वो सब क्लियर ऑफ करके क्लीन uh, चिट मिल जाए बाइनैंस को उसके अलावा एस सी का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए रेगुलेशन होना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के अराउंड क्योंकि बिकॉज क्रिप्टो करेंसी इज डी एंड अनरेगुलेटेड तो सबसे पहले रेगुलेशन लाना बहुत जरूरी है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक बार रेगुलेशन आएगा ही उसके बाद ही आप सारे केसेस क्लेम्स और फाइलिंग कर सकते हैं जब तक रेगुलेशन नहीं आएगा तब तक केसेस क्लेम्स फाइल नहीं कर सकते है. तो ये सी की रिस्पांसिबिलिटी है कि सारे रेगुलेशन लाना पहले क्रिप्टो करेंसी में एक बार रेगुलेशन हो जाएंगे वर्ल्ड वाइड एंड स्पेशली इन यू एस उसके बाद ही एस टारगेट कर सकती है अलग अलग कंपनीज को जब तक रेगुलेशन नहीं आते तब तक टारगेट करना बेबुनियाद है ये मानना है बायस के लीगल टीम की तरफ से एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद रहेगा अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली के साथ एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में